यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला मेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्लोइंग वैल्यूज, दो वैल्यूज दे दिया 9 8 9 इक्वल टू प्रोडक्ट पी आर ओ प्रोडक्ट में सबसे पहले सेलेक्ट किया नंबर वन कोमा, फिर नंबर टू ए टू कोमा बी टू, शिफ्ट के साथ बैक क्लोज और एंटर। यह प्रोडक्ट फॉर्मूला, फाइंड आउट स्केयर रूट ऑफ गिवन बिलो वैल्यूज यूजिंग स्केयर रूट फॉर्मूला। अब स्केयर रूट फॉर्मूला, जैसे कोई वैल्यू दे दी, इसमें वैल्यू इसमें दे दी है 9 का स्केयर रूट निकाला इक्वल टू स्केयर रूट एस क्यू आर टी। स्केयर रूट में सबसे पहले कंडीशन क्या है, नंबर, नंबर को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ बैक क्लोज और एंटर। 9 का स्केयर रूट है 3, और अगर यहाँ अपनी आपको दे दिया है 12, और जैसे ही बाहर और जैसे ही इसे एंटर किया तो 12 का स्केयर रूट है ये। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट पावर ऑफ फ्लोइंग नंबर्स 7 2 इक्वल टू पावर पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर। सबसे पहले नंबर नंबर 7 ए 4 कोमा पावर, पावर में सेलेक्ट करेंगे 2, शिफ्ट के साथ बैक क्लोज और एंटर। पावर फॉर्मूले के थ्रू जो भी जो दो यहां वैल्यू दी है, ए जो है फर्स्ट वैल्यू तो इसमें सेलेक्ट कर लिया, कोमा जो सेकंड वैल्यू है इसकी पावर बन जाएगी, ये पावर शो हो जाएगी इसके, ये यहां पावर का काम करेगी। ये जो सेकंड वैल्यू है ये इसमें ये जो 7 है इसके लिए ये पावर का यूज होगा। तो जैसे ही सेलेक्ट आप फर्स्ट उसके बाद कोमा, जैसे इसमें फर्स्ट नंबर नंबर को सेलेक्ट कर लिया सेकंड पावर, तो जो ये 2 है यहाँ कोई भी वैल्यू लिखी है इसके लिए इसका जो यूज पावर के थ्रू होगा, तो 7 और को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 49। 18 और 2 इक्वल टू फिर से पावर का फॉर्मूला इक्वल पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर सेलेक्ट नंबर, नंबर को सेलेक्ट कर लिया कोमा। अब पावर में ये 2 को ये 2 है जो ये इसके का यूज पावर के थ्रू पावर के लिए होगा, तो जो 18 है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 18 को 18 से ही मल्टीप्लाई करना, शिफ्ट के साथ बैक क्लोज और एंटर। तो इसका आंसर है 324। पावर ऑप्शन के थ्रू की जो भी आप सेकंड नंबर देंगे वो उसका यूज फर्स्ट नंबर के लिए होगा पावर, जो भी आप इसमें सेकंड नंबर देंगे उसका यूज फर्स्ट नंबर के लिए पावर की फॉर्म में होगा। तो 18 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 18 into 18 तो 324, 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो 49। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ फ्लोइंग नंबर यूजिंग पावर ऑप्शन। क्यूब रूट 90 दे दिया इक्वल टू क्यूब रूट सी यू बी ई क्यूब रूट आर डबल ओ टी क्यूब रूट क्या है इसका आंसर इक्वल टू क्यूब रूट सी यू पी ई क्यूब। फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ फ्लोइंग नंबर यूजिंग पावर ऑप्शन, तो जिस क्यूब रूट निकालने के लिए पावर ऑप्शन का यूज करना इक्वल टू
पावर पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर सेलेक्ट फर्स्ट कोमा वन बाय थ्री वन बाय थ्री शिफ्ट के साथ बैक क्लोज और एंटर। तो ये इसका क्यूब रूट है। ऐसे ही 15 का क्यूब रूट पावर ऑप्शन के थ्रू इक्वल टू पावर टैक अप पावर सेलेक्ट फर्स्ट कोमा वन बाय थ्री शिफ्ट का बैक क्लोज और एंटर। ये 15 का क्यूब रूट है। ये है डीसीए असाइनमेंट 17। थैंक यू।